नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं क्रोशिए का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन लाई हूँ, जिसे आप कार्डिगन में, जैकेट में, कोटी में, शॉल में, स्टॉल में, शग में, चाहे किसी भी मनचाहे प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। सामने से देखिए ये ऐसा दिखाई दे रहा है और बैक साइड से ऐसा। आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेन बनाएंगे और जिस भी प्रोजेक्ट को आपको बनाना हो उसे ऐसे नाप, मान लीजिए मुझे इतना ही चौड़ा बनाना हो तो हम इतना चौड़ा ऐसे नाप लिए और दो चेन एक्स्ट्रा बना लेंगे और उसके बाद कर लेंगे और दो चेन छोड़ के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दो चेन लेंगे और एक दो तीन चार चेन छोड़ के पाँचवें में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दो चेन लेंगे और फिर इसी जगह पे एक और डबल क्रोशिया, फिर दो चेन लेंगे और एक दो तीन चार और पाँचवें में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दो चेन लेंगे और फिर इसी में एक और डबल क्रोशिया, फिर दो चेन लेंगे और पाँचवें में एक दो तीन चार और पाँचवें में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर दो चेन लेंगे और फिर इसी में एक और डबल क्रोशिया। इसी तरह हम पूरी लाइन में बना लेंगे। तो इस तरह हमारा ये बेस लाइन तैयार हो गया है। फिर तीन चेन लेंगे और दो बार क्रोशिया में बल देंगे और यहाँ पे चार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। दो बार बल लिया, एक लूप निकाला, एक बार में दो ख़त्म किया, दूसरी बार में दो ख़त्म किया और तीसरी बार में दो, फिर दो बार बल लिया, एक लूप निकाला। अब क्रोशिए पे देखिए चार फंदे हो गए हैं, तो एक बार में दो ख़त्म करना है, दूसरी बार में दो और तीसरी बार में दो, तो ये ट्रिपल क्रोशिया है। दो बल लेंगे, एक फंदा बनाएंगे, एक बार में दो, दूसरी बार में दो और तीसरी बार में दो, तो इस तरह हम चार डबल क्रोशिया बनाएं, ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर क्रोशिया में एक बल लेंगे और ये दूसरे वाले यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दो चेन लेंगे और फिर इसी में एक और डबल क्रोशिया। फिर अब सिलाई में दो क्रोशिया में दो बल लेंगे और ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, एक दो तीन चार, दो बार बल लेना है और उसे तीन बार में ख़त्म करना है, पाँच छः सात, और फिर एक बल लेंगे और यहाँ पे दो डबल क्रोशिया बनाएंगे और दोनों के बीच में दो चेन रहेगा, दो चेन बनाया और दूसरा डबल क्रोशिया यहीं पे बना दिया, फिर दो बल लेंगे और यहाँ पे सात ट्रिपल क्रोशिया, छः सात, यानी अल्टरनेट बनाना है। एक में हमें दो डबल क्रोशिया बनाना है और दोनों के बीच में दो चेन रहेगा और दूसरे खाने में हमें सात ट्रिपल क्रोशिया बनाना है,
डबल लिया और यहाँ पे हमें 7 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। सात डबल ट्रिपल क्रोशिया हो गया और यहाँ पे हमें लास्ट में 2 डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, फिर बीच में 2 चेन और फिर यहीं पे दूसरा डबल क्रोशिया बनाया और फिर इसमें 3 चेन लेंगे और पलट लेंगे और अब हमें यहाँ पे 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। 2 बल लिया और 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4 किनारे पे हम बस 4 ही बनाएंगे और अब एक बल लेंगे और यहाँ पे जो 7 हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाया था तो चौथे वाले में 1, 2, 3 और चौथे वाले में हम देखिए चौथे ऐसे 1, 2, 3 और चौथे वाले छेद में हम क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बनाया, 2 चेन लिया और फिर इसी में एक और डबल क्रोशिया, फिर 2 बल लेंगे और यहाँ पे जो स्पेस यहाँ पे हमें 7 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 फिर एक बल दिया और यहाँ पे 7 ट्रिपल क्रोशिया बना है तो चौथे वाले में 1, 2, 3 और चौथे वाले में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, फिर 2 चेन लिया और फिर यहीं पे एक और 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 बल लेंगे और इस वाले में हमें 7 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। 1, 2, 7 फिर एक बल लिया और यहाँ पे चौथे वाले में 1, 2, 3 और चौथे वाले में 2 डबल क्रोशिया। एक बनाया, 2 चेन लिया और फिर यहीं पे एक और डबल क्रोशिया, फिर 2 बल लेंगे और यहाँ पे हमें 7 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। 7 और फिर एक बल लिया और यहाँ पे लास्ट वाले में यानी चौथे वाले में 2 डबल क्रोशिया। एक बनाया, 2 चेन लिया और फिर यहीं पे एक और डबल क्रोशिया और फिर 3 चेन लेंगे, 1, 2, 3 पलटेंगे और यहाँ पे हमने जहाँ 2 डबल क्रोशिया बनाया है और बीच में स्पेस है यहाँ पे हमें 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। और फिर एक बल लेना है और यहाँ पे जहाँ हमने 7 ट्रिपल क्रोशिया बनाया है तो चौथे वाले में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, 2 चेन बनाएंगे और फिर इसी में एक और डबल क्रोशिया। तो पहला लाइन बेस लाइन है, उसके बाद इन्हीं दोनों लाइनों को हमें दोहराते जाना है। जहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बना है वहाँ पे हमें 7 डबल क्रोशिया बनाना है, सॉरी 7 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। और जहाँ पे 7 ट्रिपल क्रोशिया बनाया है तो इसके चौथे वाले पे हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाने के बाद 2 चेन लेना है और फिर इसी में एक और डबल क्रोशिया।
तो पहला लाइन बेस लाइन है और इन्हीं दोनों लाइनों को हमें दोहराते जाना है, बनके ये तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स डिज़ाइन आपके सामने है, देखिए कितना खूबसूरत लगा। तो आप इसे अपने प्रोजेक्ट में बनाइए, इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिज़ाइन को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।